एंडोली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पेशल पीनट बटर लेके आई हूँ, जिसे बनाने में हमें सिर्फ एक मिनट लगता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने वेट को गेन करना चाहते हैं लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता, तो उन लोगों के लिए स्पेशली पीनट बटर बनाने लगे हैं हम। तो आप इसे ट्राई जरूर करें, क्योंकि इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल बाजार की तरह। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है पीनट बटर, वो भी एक मिनट में। पीनट बटर बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी पीनट। ये हमने रोस्टेड नमकीन पीनट्स ली हैं, ये आपको बाजार से बहुत इजीली मिल सकती हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल पीनट्स लेके उसको हल्का सा रोस्ट घर में कर सकते हैं। ये हमने बिल्कुल हल्का सा एक पिंच नमक लिया है, क्योंकि इसके अंदर पहले ही नमक है। एक चम्मच हमने चीनी ली है और एक चम्मच ही हमने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पीनट्स को हमने एक ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है, इसी के अंदर हमने एक चुटकी नमक भी डाल देना है, एक चम्मच चीनी भी डाल दी है और एक चम्मच ऑयल भी डाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, ये हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमने इसको हल्का हल्का चलाते हुए ग्राइंड किया है, तो आप देख रहे हैं ये पाउडर बेस बन गया है। तो अब हमने इसे पीनट बटर कैसे बनाना है आप देखें। अब इसको हम स्लो स्पीड पर लगातार चलाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये अब थोड़ा थोड़ा ऑयली होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो पीनट्स हैं वो अपने ऑयल को रिलीज करती हैं। अगर हम रेगुलर इसको चलाएंगे तो अपना ऑयल छोड़ेगी। तो हम इसे दोबारा चलाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर बटर डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड बेस में करना है, तो इसलिए हमने बटर डाला है इसके अंदर। हमें एक मिनट पूरा हो चुका है, आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा हमारा पीनट बटर बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि पीनट्स जो होती हैं वो अपना ऑयल जो है वो रिलीज करती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा लिक्विड करना है तो आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, बट पीनट बटर ऐसा ही होता है। इसे हम कांच के एक बाउल के अंदर निकाल रहे हैं। आप इसे कांच के किसी भी कंटेनर के अंदर डालकर आप इसको आराम से फ्रिज में 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। आप जब भी चाहें इसे ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। जिन्होंने अपने वेट को गेन करना है उनके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा ये तरीका है। घर के अंदर पीनट बटर बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ता है, बाजार से ये बहुत ही महंगा मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा होता है और बनाने में इसे सिर्फ 1 मिनट लगता है। यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी डिश है, खास उनके लिए जो लोग जिम जाते हैं और अपना वेट गेन करना चाहते हैं। ये हमारा पीनट बटर बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।